यस चिल्ड्रन, अब स्टार्ट यूनिट थर्ड, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली है काइनेमेटिक्स, फर्स्ट था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में देखिए क्या क्या पढ़ा है आपने। काइनेमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आइदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेटेड, नॉन एक्सीलरेटेड, by equations of motion, by graphical method, by calculus method. Then we have discussed two-dimensional motion by using the vector, just like projectile motion, then after circular motion. तो यानी कि ये सारे टाइप के मोशन हमने पढ़ लिए, उनको सीख लिया है कैसे होता है, उनके एक से ज्यादा मेथड्स भी हमने पढ़ लिए। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब हमने काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया तो हमने कहा था इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, इसीलिए इसको मैकेनिक्स भी कहते हैं, मैकेनिक्स की ब्रांच है ये। लेकिन उसमें हमने क्या बताया था कि जो काइनेमेटिक्स है उसमें हमने कोई फोर्स कंसीडर नहीं किया है, किसी भी फॉर्मूले में फोर्स नहीं आया है, चाहे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन ले रहे हैं या आप उसमें कोई भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट फाइंडिंग फोर्स, वी हैव नॉट यूज्ड द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, और मोशन किसकी वजह है, इट इज ड्यू टू द फोर्स। अब हम फोर्स को इंक्लूड करेंगे, लॉज बनाएंगे, और वो हम इस स्टडी में इसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर में, जिसे कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन कहते हैं बेसिकली ये डायनेमिक्स है, जिसमें काइनेमेटिक्स में विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स है, विदाउट इन्वॉल्विंग द फोर्स है, और इसमें फोर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे लॉज में, तब इसको हम कहेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये हमें समझना है। तो देखिए इसके सबसे पहला टॉपिक इसका हम ले रहे हैं, दैट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। अब देखिए फोर्स को समझने के लिए क्या करना है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उससे हमें समझ आती है चीजें। आप कहीं एक जगह खड़े हुए, कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपके सामने, आप उसमें ऑब्जेक्ट को आपने अपनी तरफ पुल कर लिया है, पुल करने के बाद ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो गया आपकी तरफ को, आपने उसको पुश कर दिया है, वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाने लगा है। इस तरह से आपने कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी, आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, वहां फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, दैट इज नोन एज फोर्स। सो एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच क्या क्या कर सकता है, देखो, which can either produce motion or can move a body at rest. अगर कोई body rest पे रखी है, आपने उसके ऊपर कोई effort किया in the form of push or pull, अगर दो possibility बनती है, या तो body move करने की tendency में होगी, या फिर body क्या करेगी, move करेगी एक position पर गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने force apply किया, always the body will move। जैसे हमने यहाँ force apply किया, this body is not move। अगर ये दीवार या बोर्ड मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने फोर्स नहीं अप्लाई किया, बट ड्यू टू दिस फोर्स द बॉल ट्राइज टू मूव। जब हम इतना फोर्स नहीं है, कैपेबल नहीं कि इसको मूव करा सके, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसको मूव करना पड़ेगा। तो फोर्स की केवल यही टेंडेंसी नहीं है कि बॉडी को मूव करना ही होगा, बॉडी में ट्राई और बॉडी कैन मूव विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड फंक्शन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी, अब आपको क्या करना है, उसको रोकना है, रोकने के लिए फिर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो जो फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू स्टॉप अ बॉडी और टू ट्राई टू स्टॉप द बॉडी, दैट इज नोन एज अगेन फोर्स। ये दूसरा फंक्शन हुआ। और तीसरा फंक्शन एक और हो सकता है, इफ अ बॉडी इज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन, सो आइदर बॉडी इज कैपेबल टू चेंज द डायरेक्शन और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन दिस एफर्ट इज अगेन कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स के बेसिकली तीन काम हुए। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उस बॉडी को मूव कराएगी या मूव कराने की कोशिश करेगा, एफर्ट पुश पुल उसे फोर्स कहेंगे। सेकंड, अगर कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है उसको रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। थर्ड पार्ट, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये तीन एफर्ट्स अगर हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, तीनों को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होगी, इट इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। किस फॉर्म में, ये एक एफर्ट है, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आइदर पुश और पुल, जो क्या करता है, टू प्रोड्यूस मोशन और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें मोशन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हो या उसको प्रोड्यूस कराए, और अगर इसमें कर सकते हैं टू स्टॉप
और ट्राइज टू स्टॉप, ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन. और एक और थर्ड फंक्शन हमने बताया टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन और ट्राई टू चेंज, और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, देन इट इज कॉल्ड फोर्स. इसे फोर्स कहते हैं. तो ये तो फोर्स हमें समझ आ गया, एक टर्म है फोर्स क्या होता है. तो ये एक फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच आइदर प्रोड्यूसेस अ मोशन और ट्राई टू प्रोड्यूस अ मोशन इन द बॉडी एट रेस्ट, विच आइदर स्टॉप्स अ बॉडी और ट्राइज टू स्टॉप अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, और विच चेंजेस द डायरेक्शन और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन. सो दिस इज कॉल्ड फोर्स. नाउ वी कम टू सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म इज इनर्शिया. एक और टर्म हम लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, इनर्शिया कहते हैं. देखिए इनर्शिया क्या होता है, इट इज द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू विच, बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस, अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी. अब देखिए क्या फिनोमेना है, क्या मतलब है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है वो जिस स्टेट में है, नेचुरल टेंडेंसी है द बॉडी वॉन्ट्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट. कोई भी स्टेट का मतलब होता है आइदर बॉडी एट रेस्ट और अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन. सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बुक इज टू लाई ऑन द टेबल, नॉट टू मूव एट इट्स ऑन और ऑन इट्स ऑन. अपने आप बॉडी मूव करने की कोशिश ही नहीं करेगी, जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी. एंड इफ ए बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन द बॉडी ऑलवेज ट्राई टू बी इन द सेम स्टेट अंटिल और अनलेस यू वांट टू स्टॉप इट. जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसमें एफर्ट्स नहीं करेंगे रोकने के लिए, तब तक वो बॉडी मूव करती रहेगी और उसकी नेचुरल टेंडेंसी मूव करने की है. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट पर रहने की है, और आप जब तक कि आप उसको चेंज नहीं करते हैं. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं. सो इनर्शिया इज द इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट ऑलवेज अपोजिट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, आइदर स्टेट चेंज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, दोनों में के लिए अपोज करेगा, उसे इनर्शिया कहते हैं. अब देखिए इनर्शिया का मेजर क्या है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया. अच्छा देखिए इसका क्या मतलब है, मास क्यों इनर्शिया का मेजर है. टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास तीन केसेस लेते हैं, एक आपका स्कूटी है, दूसरा आपका कार है और तीसरी बस खड़ी है, तीनों आपके सामने. अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पुश पुल कर रहे हैं. आपने पुश किया, पहले आपने किसको, बाइक को किया पुश, और बाइक को आपने देखा कितना फोर्स अप्लाई किया कि बाइक आगे मूव कर रही है. ठीक है, पहले आपने स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, फिर आपने फोर्स बढ़ाया. जब स्मॉल फोर्स अप्लाई किया तो बाइक मूव नहीं कर रही है, जैसे फोर्स आपने बढ़ाया बाइक स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू योर फोर्स अप्लाइड ऑन इट. अगेन यू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द कार, कार विल नॉट मूव, the same force will not be capable to move the car. Again you have to increase the force. Again you would have to increase the force or in other way. When you apply a force on the bike and the bike doesn't move, it means bike has a tendency to oppose the motion. Bike wants to remain in the state of rest. When you apply a force on car, the car wants to remain in the state of rest. And again you are applying a force on bus, the same force you are applying on the bus, again bus is not moving, but when you increase the force, again the bus starts moving in the forward direction, it means the bus has a tendency to oppose the motion. तो तीनों एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मोशन का अपोज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और किसकी वजह से करते हैं, इनर्शिया की वजह से. अच्छा देखिए अब ज्यादा टेंडेंसी किसकी है अपोज करने की, बस की, उस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा मूव करने के लिए. जितना अपोज बाइक ने किया उससे ज्यादा अपोजिशन किससे मिला, कार से, और उससे ज्यादा अपोजिशन किससे मिला, बस से मिला, और उससे ज्यादा किससे मिलेगा, ट्रेन से मिलेगा, ट्रेन खड़ी है. तो यानी कि जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ता जाता है उसी के लिए आपको एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा, या ये कहिए बॉडी की टेंडेंसी अपोज करने की बढ़ जाएगी.
ठीक है। अगर आपके पास कोई ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और ये डस्टर मूव नहीं कर रहा है, क्यों मूव नहीं कर रहा है? बिकॉज डस्टर हैज ए टेंडेंसी टू अपोज, इट्स इट्स इनर्शिया, ये इसका इनर्शिया है। और इनर्शिया तीन तरह का हो सकता है। पहला इनर्शिया होता है फर्स्ट टाइप्स, टाइप्स क्या होता है? फर्स्ट इज इनर्शिया एट रेस्ट और ऑफ रेस्ट भी कह सकते हैं, और सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होगा इनर्शिया ऑफ मोशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच, वर्चू ऑफ विच क्या है? टू अपोज, क्या अपोज करना? द चेंज, किसका चेंज? द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगेन इट द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ इट अपोजिस द चेंज द स्टेट ऑफ, यहां क्या आएगा? मोशन आएगा। अगर हम रेस्ट यहां ले लें, यहां मोशन आएगा, और तीसरे वाले में यहां क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने की नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। एग्जाम्पल बताते हैं, सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखो, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाई वर्चू ऑफ विच इट अपोजिस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, कौन सा एग्जाम्पल लिया? बुक का एग्जाम्पल लिया, कार का एग्जाम्पल लिया। चलिए और एग्जाम्पल बताते हैं, अच्छा एग्जाम्पल, एक ऐसा कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो तीनों को एक्सप्लेन करेगा। एक बस का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज द पैसेंजर्स आर सिटिंग इन द बस एंड ड्राइवर ऑफ द बस स्टार्ट्स द बस सडन, देन व्हाट हैपेंस? द पैसेंजर गेट्स जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ड्राइवर, जो बस में सवारी बैठी है, बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, जब ड्राइवर अचानक गाड़ी को स्टार्ट करके और तेजी से आगे से सडनली उसको आगे मूव कराता है, तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की तरफ जर्क उनको लगता है। क्यों लगता है? इसका क्या रीजन है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज द अर्लियर द बस वॉज एट रेस्ट, यू आर सिटिंग इन द बस, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। And when bus starts moving, your lower part of the body, which is in contact with the seat, starts moving, but the upper part of the body remains at the same position. तो ऊपर का part body का वहीं पर है, नीचे का part आगे चला गया, तो क्या हुआ? पीछे गिर गए, ठीक है? पीछे गिर गए, तो क्या हुआ? The upper part of the body has a tendency not to move, ठीक है? So this is inertia of rest. Second example, when the same driver, same bus and same passengers, when the driver suddenly applies the brake, then what happens? गाड़ी चल रही है और अचानक से ब्रेक लगा दी, आप खड़े हैं बस में या बैठे हुए, क्या होगा? The passengers fall forward. अभी वो पैसेंजर आगे गिर जाते हैं, और अगर वो पैसेंजर आगे गिर जाते हैं, then what will happen? आगे गिरने का मतलब क्या हुआ? Your body is in the state of motion. When the bus is moving, then you are also moving at the same speed. And your body is also in the state of motion. And when driver applies the brake, the bus stops. And your lower part of the body, जो आपका body का part which is in contact with the seat, that stops. But upper part of the body is in the state of motion. Upper part आगे की तरफ जा रहा है, नीचे का part body का रुक गया है, then we fall forward. आगे की तरफ हमें जर्क लगता है, it is inertia of motion. Means हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी थी मूव करना, जैसे रोकने की कोशिश की, हमारी बॉडी उसका अपोज कर रही है और हमारी बॉडी आगे मूव कर रही है, उसकी वजह से इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। टेक द थर्ड एग्जांपल, द सेम ड्राइवर अगेन, व्हेन इट द ड्राइवर टेक्स शार्प टर्न, ड्राइवर टेक्स शार्प टर्न बाय द बस, देन पैसेंजर्स फॉल आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते? और जब पैसेंजर्स फॉल आउटवर्ड, देन क्या हुआ? देन व्हाट हैपेंस? सिंस द बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, the passenger is also moving in the straight line, and bus takes turn, so the part of your body, lower part of the body which is in contact again in the seat, the start takes turn, but upper part is moving in the same direction, it means we fall in which direction? Outward direction. So this is the example of inertia of direction. तीनों ही केस में बॉडी की टेंडेंसी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है? अपोज करती है किसका? मोशन का। वेदर बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है तो भी अपोज करेगी मोशन का,
बॉडी अगर मूव कर रही है आप रोकना चाहते हैं तो बॉडी अपोज करेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है आप उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं अगेन द बॉडी विल अपोज, एंड दिस अपोजिशन जनरेटेड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। और कहां से इनर्शिया आया? बॉडी के मास से इनर्शिया आया, दैट्स व्हाई मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अभी आपने समझा कि जैसे जैसे मास आप बढ़ाते जा रहे हैं, तीन एग्जाम्पल देके हमने बताया, आपको एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कोई बस मूव कर रही है उसको आप रोकना चाहते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू कार, और कार में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू बाइक, और बाइक में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू साइकिल। इट मीन्स जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ता चला जाएगा, देन यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू स्टॉप द बॉडी और टू चेंज द डायरेक्शन। दैट्स व्हाई द इनर्शिया ऑफ टू बॉडीज, वन इज लाइटर अनदर इज हैवियर, द बॉडी विच इज हैवियर हुज मास इज मोर विल हैव मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू दैट ऑफ लाइटर बॉडी, और विल हैव अ टेंडेंसी टू अपोज, मोर टेंडेंसी टू अपोज एज कंपेयर टू दैट ऑफ लाइटर बॉडी। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सो मेनी एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, आजकल का सीजन है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर कोई मैंगो ट्री है और उसके ऊपर ब्रांचेज में बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं, और क्या करते हैं, व्हेन यू शेक मैंगो मैंगो ब्रांच, अगर ब्रांच ऑफ द ट्री को जब आप शेक करते हैं देन मैंगो फॉल्स डाउन, टूट के नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ, क्यों टूट के गिर गए नीचे? देखिए जो ब्रांचेज है उसके ऊपर मैंगो लगे हुए हैं, आपने ब्रांच को हिलाया, ब्रांच हिलाने से ब्रांच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन बट द मैंगो इज एट रेस्ट, मैंगो ड्यू टू इनर्शिया इज एट रेस्ट। तो मैंगो तो रेस्ट पर है, ब्रांच मूव कर रही है, तो जो बीच की जो दोनों की जो कनेक्टिंग पोर्शन है वो टूट जाएगा वहां से, एंड द मैंगोज फॉल डाउन। किसका एग्जाम्पल हो गया? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों डेली लाइफ के। वेन अ दरी इज बीटन विद अ स्टिक, आप डंडी लेकर के, कोई धूल होती है, दरी होती है, कपड़ा होता है, उसको आप इस तरह से उसके ऊपर स्टिक से आप वार करते हैं, उसको आप हिट करते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, तो दरी उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो आगे निकल जाते हैं। क्या हुआ ऐसा? जैसे ही हमने उसको दरी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया स्टिक से, तो दरी तो आगे चली गई और उसका जो डस्ट पार्टिकल थे वो पीछे रह गए, यानी कि वो दोनों के दोनों कैसे हो गए, अलग हो गए। सो व्हेन अ दरी इज बीटन बाय अ स्टिक देन द डस्ट पार्टिकल्स गेट्स अवे फ्रॉम, डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कोई स्पीडिंग ट्रेन है, स्पीडिंग बस है, उसमें से आप जंप कर जाए, चलती हुई गाड़ी से क्यों नहीं आप जंप करते? जब आपको उतरना होता है स्टेशन पे तो ट्रेन रुकती है तभी उतरते हैं, बस रुकती है स्टेशन पे तभी उतरते हैं, आप चलते चलते में से कूद जाइए, क्या होगा उसमें? उसमें ये लगेगा, कौन सा लगेगा? दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सिंस यू आर इन द बस, यू आर इन द ट्रेन, बस और ट्रेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट? सो यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, एंड व्हेन यू जंप्स आउट द बस और ट्रेन एंड यू रीचेस द ग्राउंड, योर बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड। Since your body is moving, so your upper part of the body will move and your feet will come into the touch of the ground and the feet wants to be in the state of rest, but upper part of the body will move and will fall forward. और इस तरह से रोल बन जाता है। तो कभी भी ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप चलती हुई गाड़ी से कूदें, जंप करें, या चलते हुए बस से जंप करें, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको नीचे क्या होगा, आप गिर जाएंगे नीचे, आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कहीं इमरजेंसी आ जाए कि बिल्कुल कहीं आपको और कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको जंप करना है, तो आप चलती गाड़ी में से अगर जंप कर सकते हैं तो जिस स्पीड से गाड़ी चली है, जैसे जंप करते हैं स्टार्ट्स रनिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू ओवरकम द इनर्शिया, इनर्शिया को ओवरकम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, डायरेक्शन के हमने बताए, इसके हमने एग्जाम्पल्स बताए, तो जितने एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका नाइफ का एग्जाम्पल है, वह नाइफ इज शार्पन्ड विद अ ग्राइंडिंग स्टोन, तेजी से करते हैं ना, और जो फायर होता है, चिंगारी होती है, वो किसे जाती है, वो पीछे जाती है, काफी दूर जाती है, तो वो भी यही एग्जाम्पल हो गया, सेम एग्जाम्पल हो गया उसमें, ठीक है। उसमें कौन सा हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए उसका लीजिए, साइकिल पर मडगार्ड क्यों लगाया जाता है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मडगार्ड ऑन द व्हील इन द साइकिल, तो साइकिल का व्हील क्या करता है, रोटेट करता है, और जब वो किसी डस्ट पार्टिकल के साथ आता है या कीचड़ के साथ आता है तो पार्टिकल भी क्या करेंगे, उसके साथ सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, और जब तेजी से घूमेगा तो इनर्शिया की वजह से पार्टिकल किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो हमारे कपड़े सब गंदे हो जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम मडगार्ड लगाते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल्स हैं, इनर्शिया, ये इनर्शिया होगा बच्चों। और इनर्शिया किसकी टेंडेंसी है बच्चों, इट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी, हाउ कैन यू से द नेचुरल टेंडेंसी, बिकॉज इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मास, और मास किसी भी बॉडी की कैसी टेंडेंसी है, नेचुरल है, मास इज द
नेचुरल टेंडेंसी, ये तो जो उसकी क्वांटिटी ऑक्यूपाई करता है उसी को आप मास कहते हैं, ये इनर्शिया हो गया। ठीक है, डेली लाइफ में भी इनर्शिया है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का बताया, लिविंग थिंग्स का बता देते हैं आपको, बड़ा इनर्शिया का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं। घर में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, बेडरूम पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप टीवी देख करके मम्मी की कॉल आती है, बेटा जरा उठिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, तो आपका एक बहुत सैड सा डायलॉग होता है, बस मम्मी जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस हमें रुक जाइए, उसके बाद हम देखेंगे। क्यों? इट इज योर इनर्शिया, यू आर ट्यून्ड विद द प्रोग्राम, यू डोंट वांट टू गेट अप, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंज, चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, जब अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगा तो इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा। मम्मी जब जोर से बोलेगी कि आप इस टीवी को बंद करके पढ़ रहे हैं, हम अंदर आए कमरे में, तो उसके बाद आप टीवी बंद करेंगे चले जाएंगे, तो उसका मतलब वो इनर्शिया को क्या किया, ओवरकम किया। ठीक है, ऐसे ही को बॉडी मूव नहीं कर रही है, लेकिन जब उसके ऊपर ज्यादा फोर्स होगा, इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा, तो बॉडी भी क्या करेगी, मूव करेगी। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़ने बैठे हैं, आप मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में लगे हो, उसको पढ़ रहे हैं, एग्जाम है आपका, अब मम्मी कहती है बेटा जाओ मार्केट से सामान लेके आना जल्दी से जाके, फिर आपको कि नहीं नहीं आई एम स्टडी करता, आई एम डूइंग माय वर्क, इट मींस अगेन इट्स योर इनर्शिया, बिकॉज यू है, इट इज अ टेंडेंसी टू अपोज। ठीक है, ये हमने एग्जांपल इसलिए दिया कि लिविंग थिंग्स के अंदर भी ये, उससे ये साइंटिफिक टर्म नहीं है इनर्शिया, हमारे मास की वजह से नहीं हो रहा है, ये हमारी थिंकिंग की वजह से अपोजिशन हो रहा है, लेकिन बॉडी में कोई थिंकिंग नहीं है, बॉडी के अंदर दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो बॉडी में किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है, तो ये है टेंडेंसी टू अपोज। एक और टर्म इसमें बताते हैं हम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी है, अगर उसमें मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अच्छा, व्हाई देयर इज नीड ऑफ मोमेंटम, हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट के पीछे कोई हमारी कोई ना कोई उसकी साइंटिफिक थ्योरी होती है। अगर आप एक एग्जाम्पल बताते हैं, अभी हमने 3 एग्जाम्पल आपके सामने बताए, बाइक है, कार है और क्या है, बस है। आप सेम फोर्स अप्लाई करो बाइक पर, सेम फोर्स अप्लाई कीजिए कार पर, सेम फोर्स अप्लाई कीजिए बस पर, क्या तीनों की स्पीड सेम होगी, क्या तीनों की स्पीड सेम आएगी, नहीं आएगी। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, बाइक की हो सकती है, उससे कम किसकी होगी, कार की, उससे भी कम किसकी होगी, बस की। यानी कि सेम फोर्स से रिजल्ट सेम नहीं आता डिफरेंट बॉडीज में, क्यों नहीं आता, डिफरेंट बॉडीज का मास कैसा है, डिफरेंट है, तो आप ये कहने लगे कि वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल द बॉडी, नॉट पॉसिबल। सेम फोर्स की वजह से एक बॉडी मूव कर सकती है, उतनी फोर्स की वजह से दूसरी बॉडी मूव नहीं करेगी। आपने कार के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कार को मूव करा देता है, वही फोर्स बस के ऊपर अप्लाई करो, बस मूव नहीं कर रही है। उसी को जो बस पे फोर्स अप्लाई करते हैं मूव करती है, ट्रेन पे अप्लाई कर दो, ट्रेन मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल फोर्स लगाने से सेम रिजल्ट नहीं आता, क्यों, डिफरेंट मास है बॉडीज का, तो मास को भी शामिल करना पड़ेगा। हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व हो, और उसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, इट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं, एम स्केलर है, पी के ऊपर वेक्टर लगाइए, वी के ऊपर वेक्टर लगाइए, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, पी की डायरेक्शन होगी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, और इसकी जो एसआई यूनिट आप लेते हो दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की। ठीक है, ये मोमेंटम बन गया है। अच्छा, अब देखिए मोमेंटम में अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें, क्या प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट, P इक्वल टू किसके एम वी है, अगर बच्चों हम एम को कांस्टेंट ले लें, एम का कांस्टेंट का मतलब एक बॉडी ले लें, फॉर ए बॉडी, कोई एक बॉडी है, देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। देखो जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को फर्स्ट में सिखाया था, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब इक्वल टू साइन से हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और जब इक्वल टू साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट भी उसके साथ चला जाएगा, और दोनों मर्ज होकर किसमें हो जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। यानी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी बॉडी की उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। अगर मास कैसा है, कांस्टेंट है, आपके पास एक बॉडी है उसकी स्पीड बढ़ाते जाए तो उसका मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा, क्यों, उसका मास कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर इसको ग्राफ से दिखाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसी के प्रोपोर्शनल में क्या बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसी को दूसरा कॉन्सेप्ट में बचो, अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी जाए, इफ वी इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट अबाउट पी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम। देखो यहां से पी इक्वल टू किसके इक्वल है, एम वी। अब वी कांस्टेंट है तो ये वाला बाहर हो जाएगा, इक्वल टू के साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट।
और क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल डिजाइन, प्रोपोर्शनल डिजाइन को हटाते हैं इक्वल टू, इक्वल टू के साथ क्या आता है कांस्टेंट, यानी कि पी किसके प्रोपोर्शनल है मास के, ये भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। अगर इधर आप मास ले लें इधर पी ले लें ये ग्राफ आएगा। क्या मतलब हुआ, अगर सेम वेलोसिटी है दो बॉडी की, क्यों दोनों का मास कैसा है डिफरेंट है, तो दोनों का मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर बस ट्रेवल कर रही है उतनी स्पीड से, कार ट्रेवल कर रही है उतनी स्पीड से, तो बस का मोमेंटम कार के मोमेंटम से ज्यादा होगा। अगर ट्रेन भी उसी स्पीड से मूव कर रही है, ट्रेन का मोमेंटम कार से और बस के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ये ग्राफ इंडिकेट करता है। और अगर तीसरे वाला ग्राफ एक और हम बनाए, अगर इसमें हम ले लें m इज इक्वल टू पी अपॉन वी, इफ p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बल्कि इसको ऐसे कर दीजिए बच्चों, देन v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a। क्या मतलब हो, अगर इक्वल टू और p कॉन्स्टेंट है इक्वल टू जाएगा, और p कॉन्स्टेंट होने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनल डिजाइन में, प्रोपोर्शनल डिजाइन को हटाएंगे तो p कॉन्स्टेंट आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा। अब बताओ क्या हुआ, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और ये ग्राफ ऐसा आता है बच्चों, इधर मास लोगे और इधर क्या लोगे वेलोसिटी। अगर सेम मोमेंटम है दो बॉडी का तो किसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास ज्यादा है। अभी हमने वही एग्जांपल लिया समझाने के लिए, अगर कार भी मूव कर रही है बस भी मूव कर रही है, दोनों का मोमेंटम सेम है, मास का बस का ज्यादा है, इसका मतलब बस की स्पीड कम होगी। अगर आपसे कहा जाए कि आप सेम फोर्स अप्लाई करें दो बॉडी पे, कार पे और बस पर, बस की स्पीड कम होती है कार की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों ऐसा होता है उसका रीजन ये बताएंगे कि दोनों के सेम मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए, वी प्रोपोर्शनल टू 1/m, जिसका मास ज्यादा उसकी स्पीड कम, एंड जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर मोमेंटम। तो आज हमने तीन टर्म पढ़ी है बच्चों, पहली कौन सी पढ़ी थी फोर्स, फिर कौन सा पढ़ा हमने इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, और बाद में हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तीन टर्म हमने क्लियर कर लिया।